अरे क्या ए ये सब फालतू बातें मत करो यार, क्या है आका भी ना। अरे ये बच्चा लोग हम लोग क्या पढ़ रहे थे सवेरे? टाइप थ्री राइट ना, दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्स वाई। इसका हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया था, जिसमें से हम लोग ने फर्स्ट और थर्ड कर लिया, वो कंप्लीट कर लिया था राइट ना। चलो एक टेक्स्ट दे दो मुझे, तुम लोगों के पास नहीं है टेक्स्ट वो तो पता है कि है तेरा खरीदे लिया क्या था तुम दोनों के पास? इससे छोटा नहीं तेरे देखो इधर क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला अपना हो गया था राइट ना, एक मैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वाला पढ़ा क्या है x square y square minus tan inverse is equal to ठीक है ये आएगा राइट राइट ये देखो ये पूरे का कितना वैल्यू हो जाएगा पाई बाय टू डिफरेंशिएट डी बाय डी एक्स ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ ये देखो दिस इज यू दिस इज वैल्यू कितना आ जाएगा जीरो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स। ये देखो इसका वैल्यू पाई बाय टू कहां से हुआ, मैंने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी लिख के दिया है टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू। अगर आपको याद होगा तो हम लोग ने प्रूफ भी किया था, याद है? देखो अब क्या करना आप लोगों को
2x square y dy bar dx plus 2xy square equal to 0. अब देखो ये चला जाएगा राइट में, है ना, और ये आ जाएगा इसके नीचे, ये और ये गेट कैंसिल, ये और ये गेट कैंसिल, ये और ये गेट कैंसिल, क्या बचा एस, ये जो फाइनल, चलो लिख लो फटाफट मैडम पास लिखे हो गया लिखे, सब तुमने लिख लिया, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, देखो इसमें का मैंने कितना सम सॉल्व किया, 3 ना, 10 सम, एक तो और सॉल्व कर देते, तो एक देख लो क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8, और 8 के बाद तो क्या लिखा है एट में, cos xy
is equal to x plus 1. ये देखो differentiate with respect to x क्या आएगा d by dx of d by dx of d by dx of cos x y cos theta का cos f of x का derivative क्या होता है minus sin f of x d by dx of x y x का डेरिवेटिव 1 और y का माइनस ऑफ sin x y देखो सब लोग इसमें दो टर्म है ये है u और ये है x dx ऑफ x राइट माइनस ऑफ sin x divided by dx plus y into 1 right now अब एक काम करते हैं हम लोग ये जो sin के साथ minus दिख रहा है ना ये minus को इधर ले जाते it become minus 1 minus divided by dx correct and then इसको क्या करते हैं bracket open समझा तो डाउट है इस स्टेप में अब क्या करना है मुझे ये जो जो डिवाइड बाय डीएक्स है उसको कहां लेना है लेफ्ट में और जो बिना डिवाइड बाय डीएक्स वाला टर्म है उसको कहां लेना है राइट में तो देखो कितना हो जाएगा ये x sin xy डिवाइड बाय डीएक्स प्लस डिवाइड बाय डीएक्स is equal to minus 1 minus y sin x y right there ये देखो यहाँ पे ये आएगा x sin x y plus 1 so divide by dx upon and this is your final answer is that clear yes sir
देख लिया it is what a color it is what kya karenge isko hum log differentiate with respect to x v dx of x d by dx of sine x plus y d by dx of y d by dx of cos x minus y x का डेरिवेटिव 1 sin का cos y का डेरिवेटिव 3 y cos का d by dx of ठीक है 1 plus right है x का डेरिवेटिव 1 y का राइट नाउ ओपन द ब्रैकेट देखो इसको मल्टीप्लाई किया 1 से प्लस इसको मल्टीप्लाई किया राइट है अब देखो अपने पास डिवाइड बाय डीएक्स वाले कितने टर्म है 1 2 3 तीनों को लेफ्ट पे रखना है ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा प्लस और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये दोनों विदाउट डिवाइड बाय डीएक्स वाले हैं तो ये दोनों जाएंगे राइट कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे cos x plus y divided by dx plus sine x minus y divided by dx minus divided by right अब पहले इसको लिख लो sine x minus y minus cos x plus y minus 1 right है क्या कॉमन दिखता है इसमें से divided by dx ठीक है देखो फाइनल आंसर इज इक्वल टू साइन कॉस माइनस 1 ये हो जाएगा साइन कॉस चलो ऑनलाइन वाले जल्दी से लिखना है
ये हो गया सबका? यस सर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी सम्स हैं सबको तीन ऐसे सॉल्व करना है और जो प्रूफ है देखो सब में एक ही प्रूफ है क्या डिवाइड बाय डीएक्स इक्वल टू वाई बाय एक्स राइट सबको एक जैसा करना है और एक ही प्रूफ है देखो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये दोनों एक जैसा है और क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 8 तक पूरा का पूरा एक जैसा है ठीक है देखो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 3 और 8 एक जैसा है 4 और 5 एक जैसा है 6 और 7 एक जैसा है ठीक है तो मैं काम करता हूँ 8 सम है ना 8 में से 4 आप लोग सॉल्व करते हो और 4 आपके लिए होमवर्क है देखो पेयर में हाँ याद रखना 1 2 एक जैसा है 3 और 8 एक जैसा है सेक और साइन ट्रिग्नोमेट्री वाला फोर्थ और फिफ्थ एक जैसा है इनवर्स फंक्शन और सिक्स्थ और सेवेंथ दोनों लॉग वाले ठीक है हाँ देख लो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सम
देखो सेकंड वाला भी सेम है, खाली सेवन की जगह पे उसमें पी लिखा है, समझ में आया क्या? नंबर्स की जगह पे पी दे दिया, बाकी कुछ नहीं। देखो सेवन प्लस फाइव कितना होता है? ट्वेल्व। और वहां पे देखो पी प्लस फोर लिखा है, मतलब यहाँ पे पी लिखा है, यहाँ पे फोर लिखा और यहाँ पे पी प्लस फोर लिखा, बात तो एक ही है, कुछ अलग नहीं है, करना सेम है, जैसा ये सब होगा वैसा ही सेकंड वाला करना। क्वेश्चन नंबर थ्री में भी देखो आठ सम था, नहीं दस सम था, मैंने पांच सॉल्व करके दे दिया आपको, पांच आपका होमवर्क है। सेम क्वेश्चन नंबर फोर में आठ सम दिया है, मैं चार सॉल्व करके दे रहा हूँ, सब लोग जान लो कैसे करना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा लॉग आएगा लॉग लॉग आएगा सेवन लॉग फाइव लॉग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू log x का क्या आएगा? वन बाय एक्स। log y का क्या आएगा? 1 by y divide by dx। log d by dx of कितना आ जाएगा? देखो x का डेरिवेटिव ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या करना आप देखो डीवाई बाई डी एक्स को लेफ्ट में ले गया इसको इधर और ये विदाउट वाले को इधर y upon y minus minus right right अब इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है? क्या करना है अब यहाँ पे? क्रॉस मल्टीप्लाई राइट, दिया जाएगा फाइव राइट ना, ये देखो ये कितना आ जाएगा? राइट, अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? देखो 5x और इसमें से आएगा तो माइनस सेवन वाई, तो 5x माइनस सेवन वाई, 5x माइनस सेवन वाई गेट ये y चला जाएगा इधर, तो y by x is your and समझा? देख सकते हो ना लास्ट से?
हो गया लिखे दादर को सेकंड वाला सेम करना है ठीक है ना। अब ट्रिगो वाला दे दूंगा यार। क्वेश्चन नंबर थ्री तालिका थ्री में आई चेक x रेस टू 5 उसके बाद a स्क्वायर सेक ए रुको यहां पर सब लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड सम। सबसे पहले क्या करना है इसको रिमूव करना है सेक को। कैसे रिमूव करने का रफ नहीं करना है इससे गुजर जाएगा तो क्या आएगा sec inverse और इसको हम लोग ले लेंगे p। क्या ले लिया p तो x is to pi y is to pi upon equal to p। अब देखो क्या है यहाँ पे वन है अपॉन। अब इसके पास दो प्रोसेस है या तो आप इसको कंपोनेंट को डिविडेंड से करो या क्रॉस मल्टीप्लाई करो राइट। दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सुना है ना। तो देखो ये न्यूमरेटर है और ये तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल टू पी प्लस वन पी माइनस राइट है। देखो ये और ये गेट ये और ये गेट एक्स रेस टू फाइव कितना आ गया और नीचे आ गया टू वाई रेस टू फाइव। और देखो एक p प्लस वन अपॉन p माइनस वन को हम लोग के ले लेंगे क्या ज्यूम किया मैंने k ये आ गया k टी गेट सॉरी टू टू गेट ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा k इनटू y रेस टू फाइव ये आ गया इक्वेशन नंबर वन ठीक है। अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू गेट बी गेट डी बाय डी एक्स ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ कितना आ गया फाइव एक्स रेस टू फोर कितना आएगा फाइव वाई रेस टू फोर डिवाइड बाय फाइव फाइव गेट। अब देखो एक्स रेस टू फोर के की वैल्यू क्या है एक्स रेस टू फाइव अपॉन राइट। देखो ये पूरा कट गया और ये पूरा कट गया यहाँ पे बचा वन इक्वल टू एक्स अपॉन वाई डिवाइड बाय क्या करेंगे अब इसको इधर लेके आएंगे डिवाइड बाय डी एक्स का आंसर क्या आ जाएगा और ये जो वैल्यू हम लोग ने पुट किया है कहाँ से पुट किया है फ्रॉम इक्वेशन वन तो यहाँ पर आपको क्या करना है राइट। तो बराबर
थैंक यू। जब भी लिखते रहते हो तुम लोग भी लिखते रहते हैं क्या? अभी तो होता है इधर देखो इसके आगे का सेम करना है जैसा वहां पे किया था ना सेम क्या करना है आप लोग क्या है अभी बाय कंपोनेंट को डिवाइड करेंगे आगे का सेम और ओके ट्राई कर दो
माइनस नहीं आया देखो इधर माइनस है ना ठीक है तो जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ए का होगी तो माइनस में रहेगा ना हाँ ये माइनस और ये माइनस गए हो गया लिख के
देखो क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर फाइव का फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव का फिफ्थ टर्म देखो, उसको भी होमवर्क लिख लो, सेम साइन इनवर्स है, सेम है इसके जैसा ही है, फोर्थ और फिफ्थ के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर फोर का फोर के जैसा आपको क्वेश्चन नंबर फाइव का फाइव करना है, ठीक है। और अभी जो सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फोर का सिक्स, राइट ना, हाँ तो सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, वैसे ही सॉल्व तो करना है वहां पे, लेकिन एक समय आपको बता दो। देखो क्वेश्चन नंबर फोर का सिक्स क्या लिखा है, log of x is to 20 upon ठीक है इक्वल टू क्या है बोलो 20, ये किस फॉर्म में है, logarithmic, इसमें चेंज करने का एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा, ये लॉग का बेस कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है नहीं, ये राइट। अब ये रेस टू 20 को क्या कर लेने का, ठीक है अब क्या करना आपको, कंपोनेंट एंड डिविडेंड आएगा करने, चलो ट्राई फास्ट। देखो अभी तक इस टाइप से हमने क्या सीखा कि अपने को इधर जो भी रहता है, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, इनवर्स हो, लॉग हो, कुछ भी हो, पहले इसको रिमूव करने का, कैसे रिमूव करने का,
तो कन्वर्जन करते हैं, जैसे उस साइड चला गया उसको पी ले लेने का, बाद में कंपोनेंट और डिविडेंड को अप्लाई किया पी के फॉर्म को के ले लेने का, उसके बाद उसको इक्वेशन मान लेने का, डिफरेंशिएट करने का, बाद में के की वैल्यू पुट करके आंसर आ, ये फिक्स प्रोसीजर है राइट। हो गया क्या इतिहास सब बोले साफ कर लूं। अब देखो जो सेवेंथ वाला क्वेश्चन है ना ई रेस्ट वाला, वो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में दिया है, तो उसको लॉग के फॉर्म में ले लोगे ना तो ई नीचे का चला जाएगा, तो लॉग ए आ जाएगा, उसको के ले या की समझ आया ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो मैंने 8 में से 4 कर दिया है, 4 आपका होमवर्क है राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में से मैं पहले एक क्वेश्चन आपको 5 वाला होमवर्क दे चुका हूँ राइट, और देखो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है ना हाफ लिख दिया था, और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है ना वो सेम एज लॉग वाला जो अभी सॉल्व किया ना मैंने, सेम वैसा ही है देखो एक बार, लेकिन उसका प्रूफ अलग है, देखो सब लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, ये देखो लिखा है log of x cube minus y cube
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू टू, राइट। देखो ये किस फॉर्म में है, लॉग के फॉर्म में है। इसको किस में चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल क्या आएगा ये, तो इसका बेस कितना है 10। अब देखो ये सब में ना अपने को इसको के पी कुछ लेना नहीं है क्योंकि नंबर है। अभी तक क्या आ रहा था, साइन आ रहा था, टैन आ रहा था, है ना, टैन इनवर्स आ रहा था, तो हम लोग उसको के पी जो भी है ले लेते थे, लेकिन अब इसको लेना नहीं है क्योंकि नंबर है। ये कितना आ गया 100, ये कितना आ गया एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, राइट। क्या अप्लाई करने का बाहर, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, और अप्लाई करने के बाद ना आपको कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट जैसे कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई किया तो ऊपर आ जाएगा 101, नीचे आ जाएगा 99, इधर आ जाएगा सेम वही 2x raised to 3 upon 2y raised to 3 minus का आएगा 2, उसके बाद सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है और जो बुक से वो लेके आए, इज दैट क्लियर, यस। यहां पे जैसे इस सब में था k भी लेना पड़ता था, इसको भी जैसा लेना नहीं पड़ता है अगर यहां पे नंबर्स आया तो, इज दैट क्लियर। चलो सॉल्व करो इसको, फटाफट ए पागल ये जल्दी पगली हो पगली
मैं पागल बोला तो क्यों बोलता है जैसे पगली हो नहीं सेकंड नहीं सॉल्व किया मैंने कौन सा सॉल्व किया सेकंड ही सॉल्व किया ना नहीं फर्स्ट फोर मॉडल है डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन भी नहीं करूंगा फोर्थ वाला करूंगा फोर्थ बताऊंगा और एक सुन लो इसमें का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट डायरेक्ट खाली डिफरेंशिएट करते जाना यू विल गेट द आंसर कुछ करना नहीं है उसमें उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 वाला तो होमवर्क है ही सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 3 सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 5 वाला ऑलरेडी आपको दिया है होमवर्क राइट अब मैं मुझे सॉल्व करना है 4th और 6th फोर्थ और सिक्स सॉल्व कर दिया ना उसके बाद से सब इंफिनिटी वाला मसला है राइट हो गया लिख के देखो फोर्थ वाला क्या लिखा है स्टेटमेंट हो गया सर फोर्थ वाला हो गया कोई बात नहीं ये वाला हो गया बोलो फोर्थ वाला ना देखते हैं देखो फोर्थ वाला लिखा है e raise to x plus e raise to y e raise to x plus e raise to y equal to e raise to x plus y अपने को प्रूफ क्या करना है dy by dx is equal to minus e raise to y minus x देखो differentiate with respect to x we get d by dx of राइट e रेस टू x का e रेस टू y का d by dx of राइट x का डेरिवेटिव 1 y का डेरिवेटिव Right now, open the ये टर्म आएगा इधर और उसको लेके जाएंगे हम लोग इधर करेक्ट है कितना आ जाएगा e raise to y divided by dx minus e raise to x plus y divided by dx is equal to e raise to x plus y minus e raise to x देखो क्या कॉमन दिखता है divided by dx करेक्ट सब लोग इधर ध्यान दे दो देखो ये सम का दो आंसर हो सकता है ऐसे
वो बताता हूँ, ध्यान से सुनो, मुझे प्रूफ क्या करना है, माइनस ई रेस टू करेक्ट, ये भी एक आंसर हो सकता है और दूसरा भी एक आंसर हो सकता है। कैसे? e raise to x plus y का मतलब क्या होता है, e raise to x into e raise to y, e raise to x common ले लो, नीचे से इसको लिख सकते हैं हम लोग e raise to x into e raise to y, e raise to y common ले लो, तो जो भी आंसर आता है वो तुम्हारा आंसर होता है। दूसरा आंसर ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर वन, राइट, और e raise to x plus y का वैल्यू क्या दिया, करेक्ट, ये कहां से, ऐसा होता नहीं है एक्चुअली बट ऐसा दिया है, अभी दिया है तो हम ले सकते फ्रॉम इक्वेशन वन, ये कट ये कट, क्या बचा e raise to y minus e raise to x minus e raise to y minus x, hence फटाफट एक सम और मुझे करना है, क्या हो जाएगा ये आपका, अरे इसके बाद ना ये इम्प्लिसिट का एक पार्ट और बच जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट इंफिनिटी वाला सम, Thank you.
उन्हें लिखे ए लिख लिया गया आज तो तुम ऐसे बात नहीं कर रहे, तो बात करोगे कब बोलूंगा ना, जब नहीं कर रहे तो क्यों बोलूं? क्या पागल कुत्ते ने कहा है? आज मैं बोलता रहूं, आज आप लोग अच्छे से बैठे हो, बातें नहीं कर रहे हो, डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, क्या लिया? अभी मैं ताली बजाऊंगा तेरे गाल पे। देखो ये किस फॉर्म में है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, x raised to y is equal to e raised to x minus y, ऐसे ही दिया ना सब। हाँ, और अपने को प्रूफ क्या करना है, dy by dx equal to log x upon 1 plus log x of सब को क्या आता है जान दो, क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, log on कैसे मालूम पड़ा log लेना चाहिए, कैसे मालूम पड़ा कि log लेना चाहिए, क्योंकि देखो वेरिएबल रेस्ट टू वेरिएबल है, आज तक का सब राइट समझ जाने का, क्या लेने का आप लोग को, log of x raise to y log of e raise to y log x x minus y log e, log e की वैल्यू कितना होता है 1, y log x रिटर्न y को इधर लो, y आ गया कॉमन राइट, y चला गया उधर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ गया u, ये आ गया v, x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का 1 by x, तो ये दोनों हो गया, ब्रैकेट ओपन, यू गेट, तो लास्ट स्टेप क्या आ जाएगा, log x अपॉन 1 प्लस log x का n करेक्ट, अब देखो जो अपना बचा है कौन सा, इनफाइनाइट वाला, वो अपना प्रेसिडेंट, ठीक है, आज के लिए अपना कोटा बस,
इधर निकल बता रहा